कर लाइन में लागी। देखिए इन महिलाओं के इतने मतलब कष्ट हो रहा है कि इनके आंख में आंसू। सर यहाँ लोगों का कहना है कि हम 3 बजे भोर से यहाँ लगे हुए हैं। 3 बजे दुकान थोड़ी खुलता है, 8 बजे दुकान खुलता है जी। प्रशासन सीधा करेगा, दुकान खुल जाएगा। ठीक है सर, 8 बजने के बजाय सर 9 बज गया ना। बजेगा ही, भीड़ रहेगा तो कब नहीं खुलेगा ही। भीड़ रहे, प्रशासन सीधा करेगा तब खुलेगा ना। आप खुलेगा चाबी दे। हम क्यों खोले सर, मेरा काम नहीं ना। मेरा कल 266 रुपये मिला, उसके बाद 400 रुपये मिला। ठीक है, पूछ रहा है साला बीपी हाई हो गया, बांझे यूरिया बांटने के चलते हम लोगों का नहीं बिकाया। तो अच्छा है बात, जो खाद को बंद कर दूसरा कोई काम करे आदमी को पेट भर जाएगा जी। सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम चिरैया चौक पे मौजूद है। मोतिहारी जिला का ये चिरैया चौक है और यहाँ पे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में ये किसान लोग लाइन लगाए हैं। और ये किसान लोग किस लिए लाइन लगाए हैं, हम इन किसान लोगों से बात करके ही आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर किसान हमारे देश में बार बार क्यों परेशान होता है, क्यों किसान को बार बार मरना पड़ता है। जब भी हत्याएं होती है तो किसान की होती है। वही किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो हमको अन्न देता है, जिसका अन्न हम लोग खाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी भारी संख्या में लोग अपने मतलब जान की बाजी लगा के, अगर एक तरह से देखा जाए तो ये लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो लोग कुछ उपस्थित किसान हैं उन लोगों से हम बात करेंगे। कितने बजे से हैं आप लोग यहाँ पे? 7-8 बजे से है। 7 बजे से? 7 बजे से हाँ। 4 बजे से? 5 बजे से। कितने बजे से? 5 बजे से। मतलब काहे के लिए लाइन में लगे हैं? खाद के लिए। क्या खाद ला? कौन खाद चाहिए? यूरिया। यूरिया हाँ। यूरिया मिल रहा है? मिल रहा है, तब न लोग इतना रथी हो रहा। कैसे मिल रहा? अब जो भाव दे रहा दुकान में, अभी हम लोग नहीं उठाए तो नहीं जानते। सरकारी भाव का पता नहीं है? अभी नहीं पता। 66 रुपये सरकारी दिया है। कैसे मिल रहा? लेकिन सर कल 266 रुपये मिला, उसके बाद 400 रुपये मिला। ठीक है, 400 रुपये? हाँ 400 रुपये मिला। अच्छा, आप देख सकते हैं कि पहले 266 रुपये का वितरण किया गया, उसके बाद में ब्लैक मार्केटिंग के तहत जैसे इन्होंने बताया आए थे 266 रुपये बचवा के गए 50-60 बोरी, और उसके बाद 400 रुपये बिक्री हुआ। कौन जायसवाल आए थे, 400 रुपये बिका। आज जाने का रोड ब्लॉक हो गया था सर यहाँ पर। ठीक है, कौन जायसवाल जी आए थे उधर मोतिहारी से आ रहे थे, देखिए क्या बात है, आके यहाँ पर बोल के उनको 266 रुपये बटवाए 50 बोरी, उसके बाद सर 400 रुपये बोरी यहीं से बिक्री हुआ। देखिए बार बार किसानों की हत्या की जा रही है यहाँ 400, जबकि सरकारी रेट 266 रुपया 50 पैसा है, उसके बावजूद भी 400 रुपये यहाँ पे बोरी बिके जा रही है। क्या क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। काहे के लिए लाइन में लगे? खाद के लिए। कब से लगे हैं? सुबह 3 बजे से। 3 बजे से लगे हैं? कुछ खाए पिए हैं कि नहीं? नहीं, भूखे हैं। भूखे हैं? भूखे हैं जी। खाद मिलेगा? पता नहीं मिलेगा, तब लाइन में तो लगे हुए हैं। क्या रेट में मिलेगा क्या पता? वो आधा 266 रुपये बोरा है, 270 रुपये मिलेगा बोरा है। 270 रुपये कितना? हाँ, कब से लगे हैं चाचा? 3 बजे भोर से लगे हैं। 3 बजे से? 3 बजे। खाए पिए नहीं है? कुछ नहीं खाया। मैंने इसमें किसका दोष देना चाहते हैं आप, किसके कारण? सरकार को दोष? ये सब सरकार की दोष बोल रहे हैं। सरकार के दोष है जी, सरकार का दोष है, दूसरा काम का दोष। अगर अगर पंचायत के आदमी है तो नेता है, वो से हम झूठ बोलेंगे। पंचायत सब सरकार तो नहीं ना होता क्या? फ्री करता है सरकार तो इतना परेशानी नहीं ना होता गृहस्थ को। नहीं तो मोदी जी तो बोले हैं कि नीम कोटेड यूरिया हम फ्री कर दे रहे हैं ताकि किसान को दिक्कत नहीं हो, तो फिर दिक्कत काहे हो रहा है? कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मिल रहा है चिरैया में तो मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। क्या आप क्या कह रहे हैं? फ्री करने के बाद नहीं 400 रुपये देना पड़ रहा है, और वो में भी दो बजे लाइन, 2 बजे रात से लाइन लगे हुए हैं। 2 बजे रात से लगे हैं? 2 बजे रात से लगे हुए हैं। प्रशासन आकर बोल कर भी गया है इधर से कि क्या इतना रात को खा रहा है, तो कल से खाद नहीं मिला, चला गया रात को आकर लाइन में लगे हुए। रात से लगे से कल घूम कर चला गया। 1 बजे रात से पूरा है, इतना ना भीड़। पैसे नहीं मिल रहा? 400 रुपये नगद दे रहे हैं तभी भी नहीं मिल रहा है, और तभी लाइन में लगना पड़ रहा है, देख रहे हैं। 12 बजे कहीं कहीं 800 रुपये मिल रहा है यूरिया खाद। मतलब देख रही है आप कि ये किस तरह किसानों को क्यों ऐसे बार बार किसानों की हत्या की जाती है। सरकार जब राशन हर व्यक्ति के घर तक पहुँचा दे रहा है तो फिर जौन किसान अन्न उपजाता है, फिर उसी अन्न को सरकार माध्यम से अपने माध्यम से राशन के रूप में किसान के घर तक पहुंचा देती है, लेकिन वही किसान को अन्न उपजाने के लिए सरकार यूरिया का व्यवस्था नहीं कर पा रही है। तो क्या किसान को मारने की एक तरह से नियति कहा जा सकता है? किसान कहां से लाए? क्या मारने का तरह से नियति कर रहा है सरकार? किसान को मारना चाहता है? मारना चाहता है।
देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। आइए, महिलाएं लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किसान क्या करेगा, परेशानी हो रहा है। किसान यहाँ खेती करने से भी मुकर रहा है। क्या आप लोग खेती करना पसंद नहीं कर रहे हैं? अब कहाँ से कर रहे हैं, सामान है ये नहीं तो क्या करेगा, मरेगा। यहाँ 3 बजे भोर से यहाँ खाद बाहर जो है कि बाली जा रहा है। देखिए देखिए देखिए, मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं यूरिया फ्री कर दिया, लेकिन यहाँ पे 400 रुपया बोरा पर मिल रहा है, एक बोरा वो भी मिल रहा है। किसान क्या कर लेगा, राशन फ्री कर रहे हैं। उसके बावजूद 3 बजे भोर से आया है, 2 बजे रात के, उसके बावजूद भी नहीं मिला। यार यहाँ लोगों का कहना है कि हम 3 बजे भोर से यहाँ लगे हुए हैं। 3 बजे दुकान थोड़ी खुलता है, 8 बजे से दुकान खुलता है जी। प्रशासन सीधा करेगा, दुकान खुल जाएगा। ठीक है सर, 8 बजने के बजाय सर 9 बज गया ना। बजेगा ही, भीड़ रहेगा तो कब नहीं खुलेगा ही, भीड़ रहे। प्रशासन सीधा करेगा तब खुलेगा ना, आप खुलेगा चाबी देते। हम क्यों खोले सर, मेरा काम नहीं ना, मेरा यूपीआई हो गया बांझे यूरिया बांटने के चलते हम लोगों का नहीं बिका है। तो अच्छा है बांझो खाद को बंद कर, दूसरा कोई काम करे आदमी को पेट भर जाएगा। 7 बजे से, सवेरे 7 बजे से। हाँ। ला यूरिया ला। हाँ तो यूरिया मिले में बहुत दिक्कत होता का। हाँ तो का मैंने अब ये स्थिति देख के मन करा था कि अब हमेशा खेती करी ना। इतना बूढ़ा आदमी होकर लाइन में लगी। देखिए इन महिलाओं के इतने मतलब कष्ट हो रहा है कि इनके आँख में आंसू आ रहा है। देखिए ये किसान कितनी महिला होकर भी ये खेती करती है, और इसलिए खेती करती है ताकि हमारे देश के लोग जो एसी में बैठ के ऐसो आराम कर रहे हैं उनको आराम से भोजन मिल सके, उनको अन्न मिल सके। इसके लिए ये महिला यहाँ पे लाइन में लगी हुई है। इसके बावजूद भी सरकार के गलत नीति के कारण इन महिलाओं को लोग पीछे हट रहे हैं। क्या आप लोग चाह रहे हैं कि इसके बाद से खेती करें? नहीं सर, अभी खेती नहीं करेंगे। इतना जब परेशान बाल बच्चे के छोड़ के खाना बना छोड़ के लगा के लाइन लगे सर। बताइए, खाना नहीं खाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, सबको छोड़ के ही लोग लाइन में लगा हुआ है। भोर से लागल बाड़ी। अभी आप लोग कुछ खाए पिए हैं? अभी कहाँ। बताइए क्या स्थिति होगा अगर किसी को यहाँ फीट मार दे, किसी के साथ अगर दुर्घटना हो जाए तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये का दिक्कत बा चाची, रुआ कहाँ बैठ गए बनी? यार दुखा गल तो न बैठ जाओ, हर दिन अथी लगे बा, बाल बच्चा कथी खाए, खाद न मिले बा, पानी न मिले बा, यार कथी। सरकार मतलब बढ़िया से सहयोग नहीं कर ना। खेती करम ना करम, खेती ना हुई ना, ना। देखिए लोग इतने हराश और हताश हो चुके हैं कि अब वो खेती करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अब बताइए जब लोग यहाँ खेती ही नहीं करेगा तो भारत कैसे कृषि प्रधान देश का है? तो चलिए आप देखते रहिए मेरे साथ फाइनल पोस्ट। इस तरह की बहुत सारी समस्या अभी हमारे देश में चल रहा है, इस तरह की खाद के लिए जो भी लोग परेशान है, इस तरह के समस्या से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।